क्रॉस प्रोडक्ट को एक बार और देख लें, और फिर एक आखिरी चीज होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो देखेंगे। वेक्टर ए दिया हो a1, a2, a3, वेक्टर बी अगर दिया हो b1, b2, b3, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बनाते हैं। फर्स्ट रो में द यूनिट वेक्टर्स आई जे के, और सेकेंड रो में ए का कॉम्पोनेंट्स, और थर्ड रो में बी का कॉम्पोनेंट्स। ए क्रॉस बी वेक्टर को जिस तरह से हम लोग डिफाइन किए हैं, उसका मैग्नीट्यूड होगा ए गुने बी गुने साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन किए हैं। इतना मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी इस दिशा में दिखाना है, तो उसके अनुसार ए क्रॉस बी वेक्टर इस दिशा में होना चाहिए और बी क्रॉस ए वेक्टर इस दिशा में होना चाहिए, विपरीत दिशा में। तो दोनों में एक माइनस साइन का अंतर आता है, आना भी चाहिए। तो हम यहां लिखे हैं ए क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए वेक्टर, एक माइनस साइन का अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों वेक्टर का लेकिन दिशा विपरीत है। ए क्रॉस ए का वैल्यू पूछे तो वो जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच एंगल हो गया जीरो, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल जीरो, उसका मैग्नीट्यूड होगा a इंटू साइन जीरो। ये सब जो रिलेवेंट बात सब है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस सबको यहां हम एक जगह एकत्रित कर दिए। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वे करता है, ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी लिखा है, यानी दो वेक्टर को ऐड कीजिए, एक वेक्टर बनाइए, उसको क्रॉस कीजिए ए के साथ। इट इज सेम एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यानी अलग अलग ए और बी वेक्टर को क्रॉस करके एक वेक्टर बनाइए, ए और सी को क्रॉस करके फिर दोनों को ऐड कीजिए, यू गेट द सेम रिजल्ट। और इसको प्रूफ करने के लिए कोई कहे तो भाई लेट ए बराबर a1, a2, a3, b बराबर b1, b2, b3, c बराबर c1, c2, c3। अब दोनों को ऐड कीजिए और तब क्रॉस करना है, यानी a1, a2, a3 क्रॉस हम ऐड कर रहे हैं, तो b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3 पहले हम ऐड कर दें। अब क्रॉस करने के लिए हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड रो में a1, a2, a3 लिखेंगे, और लास्ट रो में b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b3 प्लस c3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, a2 टाइम्स दिस माइनस a3 टाइम्स दिस, a2 टाइम्स b3 प्लस c3 माइनस a3 टाइम्स b2 प्लस c2 आई कैप। इसी तरह से जे कैप के कैप वाला टर्म सब लिखने का जरूरत नहीं है, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, a2 b3 माइनस a3 b2 आई कैप, और a2 c3 माइनस a3 c2 आई कैप। उसी तरह से जे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको दो में तोड़ देंगे, समथिंग जे कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप समथिंग के कैप, और ये अब इक्वल टू है ए क्रॉस बी, और ये वाला है ए क्रॉस सी, बीच में प्लस, हेंस प्रूफ्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपसे कोई प्रूफ करने नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग को ये बात पता होना चाहिए, और ये पता था भी जब आप क्रॉस कर रहे थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को क्रॉस कर रहे थे कुछ 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप के साथ ए क्रॉस बी, तो आप यही तो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, इसको क्रॉस कर रहे थे इसके साथ, यानी दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस प्लस दिस क्रॉस दिस, यही तो आप प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच एंगल को थीटा कहें। हम अगर जानना चाहते हैं वेक्टर ए का कंपोनेंट बताइए अलोंग वेक्टर बी, इसको बोलते हैं कंपोनेंट अलोंग बी, और अगर हम जानना चाहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दो दिशा में पैरेलल टू बी
और परपेंडिकुलर टू बी दिशा में। तो पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए वी हैव डॉट प्रोडक्ट, हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दें और उसको डिवाइड कर दें हम बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, जिसको सिर्फ हम बी लिख रहे हैं, तो हमको ए कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। द पैरेलल कंपोनेंट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। तो चूंकि ए डॉट बी होता है ए गुने बी गुने कॉस थीटा, आप बी से डिवाइड कर दिए तो ये ए कॉस थीटा बच रह गया। और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहें कि निकालिए, यानी ए साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो हम ए क्रॉस बी कर दें अगर दोनों वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू होता है ए गुने बी गुने साइन थीटा। अगर हम उसको डिवाइड कर दें वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो हमको निकल जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हम लोग जो दो बाइनरी ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं, द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट, ए डॉट बी करके बी से डिवाइड कर दीजिए बी के मैग्नीट्यूड से, तो ए का कंपोनेंट निकल जाएगा अलोंग बी, और ए क्रॉस बी करके ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यानी हम अगर एक वेक्टर दे दें फॉर एग्जांपल 2-1, 3 और एक वेक्टर दे दें 1, 0, 1, और हम यही क्वेश्चन पूछें कि वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए अलोंग बी और वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर टू बी दिशा में, तो कैसे निकलेगा? हम ए डॉट बी पहले कर ले रहे हैं, 2 × 1 − 1 × 0 + 3 × 1, 2 + 3 = 5 हो गया डॉट प्रोडक्ट। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल ले रहे हैं, ए बराबर √4 + 9 = 13 + 1 √14 और बी का मैग्नीट्यूड √2। अगर हमको ए का कंपोनेंट चाहिए अलोंग बी, यानी ए कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम 5 को डिवाइड कर देंगे √2 से और हमको कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी आ गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि वेक्टर ए अगर ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, तो बी के अलोंग कंपोनेंट ये हुआ, जो कि ये एंगल दोनों के बीच में अगर ऑब्ट्यूज है तो ए कॉस थीटा अपने आप एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए, आएगा भी, तो दिस आंसर मे कम आउट टू बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो, मे कम आउट टू बी 0 ऑल्सो। अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट करते ही वो 0 आ जाएगा, और अगर हमको ए साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो इस डेफिनेशन के अनुसार पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, ए क्रॉस बी वेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, 2 − 1, 3 = −1 i ⃗ + 3 − 2 j ⃗ + 0 − −1, 1 k ⃗ − i ⃗ + j ⃗ + k ⃗. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि √3 है, उसको हम डिवाइड करेंगे b के मैग्नीट्यूड से, इतना होगा। एक मेरे पास और विकल्प था, अगर हम पैरेलल कंपोनेंट निकाल लिए हैं, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो हम क्यों नहीं √√2 − √2 कर लें। हाँ, वहां पे चिंता नहीं है कि √√a² − a का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करें टू फाइंड दी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस पैरेलल कंपोनेंट का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। तो हम ए परपेंडिकुलर निकालने के लिए अब यहां प्लस माइनस लें, प्लस लें कि माइनस लें इसका चिंता नहीं है, वो हमेशा प्लस होगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा 0 से लेकर π के बीच में कोई भी एंगल हो, 0 से π के बीच में साइन फंक्शन का वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा। हाँ, पैरेलल कंपोनेंट हो सकता है कि अलोंग बी हो
या ऑब्ट्यूज एंगल हो तो विपरीत दिशा में हो बी के। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो हम ऐसा भी कर सकते थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए जब हम पैरेलल कंपोनेंट निकाल चुके हैं तो ए साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 14 माइनस इसका स्क्वायर विच इज 25/2, ऐसा भी कर सकते थे 28 माइनस 25 3 रूट 3 बाय रूट 2 आ गया। यानी जरूरी नहीं है कि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट करें, एक वेक्टर बनाएं, उसका मैग्नीट्यूड निकालें और उसको बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। फिर भी ये जानकारी आवश्यक है कि आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके अगर बी से डिवाइड कर देते हैं तो ए कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करके उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के अगर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो ए साइन थीटा निकल जाता है। यू मस्ट बी अवेयर, एंड साथ में यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर कि ये निकालने के लिए ए साइन थीटा का वैल्यू हम रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी ये तो आसान है निकालना ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये वैल्यू निकाल करके हम दूसरा कंपोनेंट को इस प्रकार निकाल सकते थे विच विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव साइन। स्पेस में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में तीन पॉइंट दिया है ए बी और सी, हम तीनों का पोजीशन वेक्टर दे देते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। वही वेक्टर ए दिया हो a1 a2 a3, वेक्टर बी b1 b2 b3 और वेक्टर सी c1 c2 c3, और हमको चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है या नहीं है, कोलिनियरिटी टेस्ट करना है। तो हम क्या सिखाए हैं आपको कि आप ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन और ए के रेस्पेक्ट में सी का पोजीशन, ऐसा दो वेक्टर बना लीजिए वेक्टर ए बी विच इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, b1 माइनस a1, b2 माइनस a2, b3 माइनस a3, और एक वेक्टर ए सी बना लीजिए। माने कोई दो जरूरी नहीं है कि आप ए सी बी सी बना लीजिए, और ए सी बना रहे हैं तो c1 माइनस a1 यानी ए के रेस्पेक्ट में बी और सी के पोजिशंस को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, c2 माइनस a2 कॉमा c3 माइनस a3। अब आपको दो वेक्टर मिला है, ये तीन वेक्टर था बट अब आप दो वेक्टर बनाए और ये दो वेक्टर कोलिनियर अगर हो गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर, तब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा। और कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग अलग से तैयार किए हैं कि दोनों का दिशा मैच करना चाहिए, यानी दिस बटे दिस अगर इक्वल टू दिस बटे दिस इक्वल टू दिस बटे दिस, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। एक और तरीका दिख रहा है हम लोग को यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब आप ये दो वेक्टर बना दिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और ए सी वेक्टर है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी देखिए इस्तेमाल करें हम लोग। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, दोनों के बीच एंगल जीरो है अगर है, तो दिस क्रॉस दिस का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का वैल्यू जीरो होना चाहिए अगर कोलिनियर है तो। इसको जरा सरियाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, जिसको हम प्लस ए क्रॉस बी लिख दे रहे हैं, फिर माइनस ए क्रॉस सी को प्लस सी क्रॉस ए लिख रहे हैं, और प्लस लास्ट में ए क्रॉस ए जो कि जीरो है। इसको जरा अरेंज करके जरा हैंडसम फॉर्म में लिखिए तो देखिए कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, साइक्लिक ऑर्डर में वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी को अरेंज करें तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस
सी क्रॉस ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है जो कि यहां लिखे हैं। ये अलग से इसलिए लिखना, आपको हम कभी भी तीन पॉइंट का पोजिशन वेक्टर देंगे और कोलिनियरिटी चेक करने बोलेंगे तो आप कौन तरीका से चेक करेंगे, तो कोई शंका नहीं है, आप इसी तरीका से चेक कीजिए। आप किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट का पोजिशन वेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स, कि एक ही प्लेन में तीनों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप पढ़े हैं कि a1 by a2, b1 by b2, यानी कि दोनों का डायरेक्शन रेशियोज सेम अनुपात में होना चाहिए। और कोप्लेनैरिटी के लिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। हम आपको चार पॉइंट देंगे स्पेस में, चारों का पोजीशन वेक्टर देंगे, कोप्लेनैरिटी ऑफ फोर पॉइंट्स पूछेंगे, तो आप तीन वेक्टर क्रिएट करेंगे पहले किसी एक के रिस्पेक्ट में, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। अभी वेक्टर मान लीजिए उस प्लेन में नहीं है, थोड़ा भी उठा हुआ है, तो आपको मालूम चल जाएगा। तो दो वेक्टर का कोलिनियरिटी और तीन वेक्टर का कोप्लेनैरिटी, वो अलग से हम लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कभी नहीं भूलना है। यहां अब क्या कर रहे हैं कि हम तीन पॉइंट का कोलिनियरिटी पूछ रहे हैं, तीन वेक्टर देंगे, तो आप दो बनाएंगे तब कोलिनियरिटी चेक। तो हम लोग कभी भी इस तरीका से नहीं चेक करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। लेकिन ये मालूम होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमको इम्तिहान में कभी कोई एक ऑप्शन में दिया हो और हम उसको टिक नहीं करें, जबकि केवल कोलिनियरिटी पूछ रहा है और वो आंसर भी करेक्ट है, तो ये आप याद रखना है। थ्री डायमेंशनल स्पेस में हम कोई एक वेक्टर देंगे ए और कोई दूसरा वेक्टर देंगे बी, और कहेंगे कि एक ट्रायंगल का साइड है ये दोनों स्पेस में, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, और ये एक ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड्स है। तीसरा साइड बताने का जरूरत नहीं है, आप ट्रायंगल का दो साइड अगर बता दिए वेक्टर ए वेक्टर बी, तो तीसरा साइड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी या वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, उस ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई भी हम समझ गए। अगर आप ये वेक्टर दे दिए कुछ a1 a2 a3, वेक्टर बी भी दे दिए b1 b2 b3, तो तीसरे साइड का लंबाई अगर कहिएगा कि निकाल दीजिए तो निकाल देंगे। ई वाला एंगल निकालने बोलिएगा तो cos दिस एंगल cos ऑफ सी बोल रहे हैं इज इक्वल टू निकाल देंगे, ए डॉट बी करके डिवाइड कर देंगे ए और बी के मैग्नीट्यूड। थर्ड साइड का लंबाई बोलिएगा तो भी निकाल देंगे, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रूट अंडर a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर। तो अगर दो साइड एक ट्रायंगल का दे दें, दोनों का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देंगे, क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का लंबाई अगर पता हो, एनी टू साइड्स, और एंगल बिटवीन देम पता हो, तो एरिया होता है a टाइम्स b टाइम्स साइन c, यही होता है हाफ ए बी साइन c। अब आप निकाल सकते हैं, हम आपको ये वेक्टर दिए हैं, ये वेक्टर दिए हैं, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कहें, तो इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, जो कि अब जानते हैं आप कि कैसे निकल सकता है। आप इन दोनों वेक्टर का क्रॉस कर लें, एक वेक्टर बनेगा। वेक्टर का दिशा से मतलब नहीं है, दिशा तो हम लोग डिफाइन किए हुए हैं इस तरह से, बट हमको ट्रायंगल का एरिया जानने के लिए केवल ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो हम आपको देंगे एक वेक्टर 2 माइनस 3 4, बी वेक्टर देंगे 1 0 माइनस 5, और कहेंगे कि एक ट्रायंगल का ये दोनों साइड है, तो बताइए उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। तो आपको तुरंत इस फॉर्मूला को याद रखना होगा, आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर क्रिएट कर लेना होगा, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, यू गेट द एरिया। अगर कोई हम पैरेललोग्राम कह दें कि है जिसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंट साइड्स का ए बी है, आमने सामने का नहीं, क्योंकि अगर एक साइड ए है तो दूसरा भी ए ही होगा,
एक साइड बी है तो उसके सामने वाला भी बी ही होगा। तो हम एक पैरेललोग्राम का कह दें कि टू एडजेसेंट साइड्स ए बी है, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? तो ये मुश्किल नहीं है, हम इसको अगर बांट दें दो बराबर ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट, तो इस ट्रायंगल का एरिया तो अभी तुरंत सीखे हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो इसको दुगुना कर दीजिए तो पैरेललोग्राम का एरिया हो गया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के, एंड आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और आंसर। कई बार ना ट्रायंगल के डायगोनल्स का दिया होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक डायगोनल ए है एक डायगोनल बी है, अब इसका एरिया बताइए। बी वेक्टर को कहीं ना बना सकते हैं, यहां बनाइए यहां बनाइए, तो वेक्टर बी दिया होगा समथिंग आई कैप समथिंग जे कैप समथिंग के कैप, बनाए कहां है? कहीं बना लेंगे। तो एक पैरेललोग्राम है जिसका कि डायगोनल्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिया होगा ए और बी, और एरिया निकालिए, दोनों में अंतर है, कैसे निकालेंगे देखिए। ये वेक्टर अगर वेक्टर ए है तो ये वेक्टर हो गया हाफ ए वेक्टर, ये वेक्टर अगर बी है यहां से वहां तक तो यहां से वहां तक का वेक्टर हो गया हाफ ऑफ बी वेक्टर, यहां से वहां तक का बोलिएगा तो हाफ बी वेक्टर, इधर से इधर बोलिएगा तो माइनस हाफ बी वेक्टर। इसी दिशा में एक छोटा सा टुकड़ा काटिए वन थर्ड लेंथ का, इसी दिशा में कहीं भी तो वन थर्ड बी वेक्टर हो, तो ये हाफ ऑफ बी वेक्टर है और ये हाफ ऑफ ए वेक्टर है, तो ये वाला एरिया तो निकल जाएगा ना ट्रायंगल का, वो हाफ इंटू हाफ ए वेक्टर क्रॉस हाफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका, और इसका एरिया ये भी वही है हाफ बी वेक्टर ही हाफ ए वेक्टर, सेम एरिया है, इसका एरिया भी सेम है, इसका भी सेम है, इसको चार से गुना कर दीजिए, ये निकल जाएगा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आया, हाफ और हाफ स्केलर क्वांटिटीज कैन बी टेकन आउटसाइड, यानी हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। रहती है नहीं, समझ जाइए, अगर कभी ऐसा सवाल दे कि एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर ए वेक्टर बी, माने हम दोनों डायगोनल का लंबाई बता दिए, वेक्टर ए बता दिए तो लंबाई बता दिए ना मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बता दिए, और दोनों के बीच का एंगल ही बता दिए, दो वेक्टर दे दिए तो दोनों के बीच का एंगल भी आप जानते हैं, हम वो हर कुछ दे दिए हैं जिससे कि वो पैरेललोग्राम फिक्स्ड हो गया, तो उसका एरिया निकाल दीजिए, तो हम लोग इतना सरलता से निकाल देंगे एरिया पैरेललोग्राम। इतना यूसेज है क्रॉस प्रोडक्ट का। एक आखिरी ऑपरेशन पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा में, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बाइनरी तब बोलते हैं जब हम दो वेक्टर के बीच में कुछ लिखते हैं, जो चार ही ऑपरेशन हम लोग पढ़े हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोलते भी हैं उस तरह से, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो दीज आर दी फोर बाइनरी ऑपरेटर्स जो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग डिफाइन कर लिए। एक ऑपरेशन है जिसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें तीन वेक्टर होता है ए बी सी और ए क्रॉस बी डॉट सी ऐसे लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट क्योंकि तीन वेक्टर के साथ ही ऑपरेशन किया जाता है। और स्केलर क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं, जैसे ए डॉट बी ऑपरेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे और स्केलर भी बोलते थे, वो इसलिए क्योंकि इसको हम लोग डिफाइन किए हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा अपने से नहीं डिफाइन होता है, हो सकता था कि हम लोग ए क्रॉस बी को ही डिफाइन किए होते एज स्केलर प्रोडक्ट, तो आज हम लोग ए क्रॉस बी का वैल्यू सिर्फ एक संख्या बता रहे होते, ये सब फिजिक्स की आवश्यकता के अनुसार डिसाइड होता है। तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको डिफाइन किए हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम जो क्वांटिटी अभी डिफाइन करने जा रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए अपने से समझ जाइएगा स्केलर है, ए क्रॉस बी डॉट सी, ब्रैकेट तो डाले ही नहीं, आप अपने से समझिए ब्रैकेट कहां होगा, अगर कोई विद्यार्थी यहां पे ब्रैकेट डाल देता है तो खुद समझ जाएगा कि मीनिंगलेस है ये, क्योंकि बी डॉट सी हम बोल रहे हैं पहले कर लीजिए, ब्रैकेट यहां डाल दिए हैं तो आपको मिलेगा एक स्केलर क्वांटिटी,
अब स्केलर और वेक्टर को क्रॉस कैसे करेंगे? क्रॉस तो हमेशा वेक्टर का वेक्टर के साथ होता है, इसीलिए यहां बिना कहे समझना है कि जब ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये लिखा हुआ है, विदाउट द ब्रैकेट भी आपको मतलब समझ जाना है, यानी लिखा हुआ है कि पहले क्रॉस कर लीजिए, एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का डॉट कीजिए सी के साथ, तो इसमें ब्रैकेट नहीं डालते हैं, समझ जाते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलिए क्रॉस करते हैं, पहले ए क्रॉस बी करते हैं तो आएगा आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। आई कॉम्पोनेंट है ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, जे कॉम्पोनेंट है ए थ्री बी वन माइनस ए वन बी थ्री, और के कॉम्पोनेंट है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब इसको डॉट करते हैं सी के साथ, ए क्रॉस बी डॉट सी, इतना को डॉट करेंगे हम C1, C2, C3 के साथ तो आएगा दिस इंटू सी वन, यहां देखिए I था पहले, इतना इंटू J था, इतना इंटू K था, अब जब डॉट कीजिएगा ना C के साथ तो I के जगह C1 हो जाएगा, C1 इंटू इतना हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 इंटू C1 हो जाएगा, A3 B2 A3 B1 माइनस A1 B3 गुने C2 हो जाएगा, इतना गुने C3 हो जाएगा। कुछ समझे? ध्यान से देखिए, तो यानी कि हम अगर इसी डिटर्मिनेंट में आई जे के की जगह अगर C1 C2 C3 लिख दें, यही तो आ रहा है आंसर, यानी A क्रॉस B डॉट C का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं वो लोग। इसको थोड़ा हैंडसम बनाएंगे, हम लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी से याद करें, तो डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि हम अगर कोई दो एडजेसेंट रोज को अगर इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस साइन का अंतर आ जाता है एक्सपेंड करने पर, यानी कि अगर हम a1 a2 a3 को इंटरचेंज कर दे C1, C2, C3 के साथ और अब इसका एक्सपेंशन करें तो एक माइनस साइन का अंतर आएगा, तो हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम हो गया, दिस एंड दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट बाय ए माइनस साइन, बट इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अब सेम हो गया। अब एक बार और हम सेकेंड रो और थर्ड को इंटरचेंज कर दें, ऐसा करने से डिटरमिनेंट के वैल्यूज में सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर आता है, किसी भी दो एडजेसेंट रोज को आप अदला बदली कर दीजिए या किसी भी दो एडजेसेंट कॉलम को अदला बदली कर दीजिए, सिर्फ एक माइनस साइन का अंतर आता है एक्सपेंड करने। एक बार फिर इंटरचेंज कर दीजिए, आप फिर एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हम साबित किए कि ये सी वन सी टू सी थ्री आखिर रो में बी वन बी टू बी थ्री बीच में, यानी अब ये थोड़ा हैंडसम फॉर्म में दिख रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू निकालना हो तो फर्स्ट रो में ए का कंपोनेंट्स को लिख दीजिए, सेकेंड रो में बी वन बी टू बी थ्री बी का कंपोनेंट्स, और थर्ड रो में सी वन सी टू सी थ्री सी का कंपोनेंट्स। इसमें कहीं अब आई जे के नहीं है, अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ए वन गुने दिस माइनस दिस प्लस ए टू गुने दिस माइनस दिस प्लस, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, जो भी क्वांटिटी आएगा हम लोग उसको, जो भी यहां पे हम सब कर रहे हैं इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को वेक्टर अलजेब्रा में बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बड़ी काम का है ये, थोड़ी देर में कुछ यूटिलिटी आपको दिखाएंगे, पहले हम इसी को जरा, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जरा देख लेते हैं। पहला बात तो सीख गए कि हम अगर एक वेक्टर देते हैं टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप फोर के कैप, वेक्टर देते हैं माइनस वन आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, और एक और कोई वेक्टर दे देते हैं और कहते हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी का वैल्यू निकालिए, तो तुरंत डिटरमिनेंट बनाना है जल्दी से, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। अगर हम बी क्रॉस सी डॉट ए लिखते हैं तो मैंने फर्स्ट रो में बी का कंपोनेंट्स, फिर सी और फिर ए का कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर हम क्रॉस और डॉट के पोजिशन को इंटरचेंज कर दें और इसको हम ऐसे लिख दें
इसका मतलब क्या समझे आप? मतलब यही है, पहले क्रॉस करना होगा तब डॉट करना होगा, और डॉट चूंकि कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखना इससे मैज बी क्रॉस सी डॉट ए लिखना। चेक कीजिए, चूंकि हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखिए चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इट इज वन एंड द सेम। क्रॉस को नहीं आप बदल सकते, जैसे बी क्रॉस सी को हम सी क्रॉस बी नहीं लिख सकते। हम देखना चाहते हैं कि अगर हम इसमें डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर दें, ए बी सी के पोजिशंस को वही रखते हैं, केवल इन बाइनरी ऑपरेटर्स को हम इंटरचेंज कर दें, तब क्या आता है रिजल्ट? देखें, अब इसके अनुसार सबसे पहले बी वन बी टू बी थ्री लिखना होगा, फिर सी वन सी टू सी थ्री, और तब ए वन ए टू ए थ्री। अगर हम एक बार यहाँ रो इंटरचेंज कर लें ताकि इस रो को नीचे ला दें, इसको बीच में, अब फिर एक बार और इंटरचेंज कर दें ताकि ये ऊपर चला जाए, तो दो बार माइनस आकर के प्लस हो जाएगा, और इवेंचुअली देखिएगा कि ये इक्वल टू फर्स्ट रो में ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड में बी वन बी टू बी थ्री सेकेंड। यानी हम कुछ साबित किए, बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इंटरचेंजिंग द क्रॉस एंड डॉट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि हम आज के बाद अब केवल ऐसे लिखेंगे, सोचा है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी थोड़ा स्पेस देके लिख देंगे, और इसी को कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्रॉस कहाँ है, डॉट कहाँ है, जहां मन डाल दीजिए, द रिजल्ट इज सेम। लेकिन वो नहीं भूलिएगा कि जब ऐसे लिखा है तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसका लिखेंगे कॉम्पोनेंट्स, फिर इसका, फिर इसका। हाँ, अब ये लिखा हो तो भी यही, ये लिखा हो तो भी वही, हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखेंगे आज के बाद, ऐसे एंड नॉट टू बी फॉरगॉटन कि अगर यहां पे हम बी लिख दें ए और सी, अब इसका आंसर डिफरेंट आएगा। अब हम वेक्टर्स को इंटरचेंज करने का बात कर रहे हैं, अब इसका डिटरमिनेंट बनाइएगा, तो बी वन बी टू बी थ्री ए वन ए टू ए थ्री सी वन सी टू सी थ्री, अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू, और इसमें अंतर है, एक माइनस साइन का अंतर आ गया, क्योंकि इसका जो फर्स्ट दो रो है इसका फर्स्ट दो रो इंटरचेंज दिख रहा है। यही सब बात यहां लिखे हैं, पहला लिखे हैं कि ए क्रॉस बी डॉट सी का मतलब ये होता है, उसके बाद लिखे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड सिंपली एज ए बी सी, और कारण हम लोग समझ गए कि क्रॉस और डॉट के पोजीशन को इंटरचेंज करने से भी यही रहता है, इसीलिए क्रॉस और डॉट को लिखने का आवश्यकता नहीं है, मत लिखिए। उसके बाद लिखे हैं कि ए बी सी को साइक्लिक ऑर्डर में अगर हम रोटेट करें, सी को घसका के यहां लिख दें, ए बी को घसका दें, अगर बी को घसका के यहां लिख दें, सी ए को घसका दें, साइक्लिक ऑर्डर में, तो ऐसा करने से कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। लेकिन अगर हम किसी एक को फिक्स करके दो को खाली अदला बदली कर दें, जैसे हम यहां लिखे हैं सी को फिक्स कर दिए और ए बी को बदल दिए, या हम ए को फिक्स कर दिए और बी सी को बदल दिए, या बी को फिक्स कर दें और ए सी को बदल दें, ऐसे स्थिति में एक माइनस साइन का फर्क हो जाएगा, बी को रहने दें जहां के तहां और सी और ए के पोजीशन को बदल दें, तो अब एक माइनस साइन का अंतर हो जाएगा। लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में घुमाइएगा सबको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसका प्रूफ यहीं पे है। ए बी सी का वैल्यू हम जानते हैं, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। हम एक बार साइक्लिक ऑर्डर में घुमा के देखते हैं, ऐसे सी को यहां लिख देते हैं, ए को इधर घसका दिए, बी को इधर घसका दिए, अब देखें कि इसका वैल्यू कितना आता है, वही आना चाहिए सी वन सी टू सी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, अब बी वन बी टू बी थ्री। अब हम इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जानते हैं, इस दोनों रो को अदला बदली कर सकते हैं, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट रो में चला जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, अब फिर एक बार और बदला बदली कर दें एक और माइनस साइन, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा और ये दोनों ऊपर घसक जाएगा, यानी वैल्यू सेम रह जाएगा। हेंस प्रूव्ड कि साइक्लिक ऑर्डर में रोटेट करने से पोजीशंस ऑफ द वेक्टर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ऑपरेटर, वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्रॉस कहीं भी लिखिए डॉट कहीं भी लिखिए, इन तीनों वेक्टर के पोजीशंस को अगर हम चेंज करें, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं, किसी एक को छोड़ दिए बाकी दो को अदल बदल कर दिए, तो एक माइनस साइन का अंतर हो जाएगा।
हम लोग उसके सारे प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके रट लेते हैं, ये डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टीज है, ये इस्तेमाल है। यहां लिखा है ए बी सी प्लस डी, माने ए क्रॉस बी डॉट सी प्लस डी लिखा है, माने दो वेक्टर है सी और डी, दोनों को ऐड करके एक वेक्टर, तो ये इक्वल टू होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लागू है, यानी ए बी सी प्लस ए बी डी के बराबर होगा, ऐसा लिखे हैं। देखिए ये ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, लैम्डा मान लीजिए उसको, तो लैम्डा डॉट सी प्लस डी लिखा है, विच इज सेम एज लैम्डा वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर डॉट डी वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ओवर एडिशन। और अब फिर वापस लैम्डा की जगह जो लिखा था लिख दीजिए ए क्रॉस बी डॉट सी और ए क्रॉस बी डॉट डी, विच इज ए बी सी एंड विच इज ए बी डी, प्रूफ इट। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा हम एक्सपेंड करके दिखाते हैं। अगर ऐसा भी हो ए बी वन प्लस बी टू सी वन प्लस सी टू, तो ये हम दिखा सकते हैं ए बी वन सी वन, ए बी वन सी वन प्लस ए बी वन सी टू प्लस ए बी टू सी वन प्लस ए बी टू सी टू के बराबर होगा, प्रूफ उसी पे है बेस्ड। आप इसको लैम्डा मान, इसको ए, इस वेक्टर को लैम्डा मान लें या बी मान लें, इसको सी वन प्लस सी टू रहने दें, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं ए बी सी वन और प्लस ए बी सी टू इस प्रॉपर्टी के अनुसार। अब बी को वापस लिखें बी वन प्लस बी टू और यहां बी वन प्लस बी टू, फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब ए बी वन सी वन प्लस ए बी टू सी वन लिख सकते हैं, प्लस इसको भी दो में तोड़ सकते हैं। मतलब यहां पे ऐसा मत समझिए कि खाली यहीं पे सी प्लस डी लिखा हो तो टूटेगा, कहीं भी लिखा हो, यहां यहां यहां, जैसे यहां पे हम लिख देते ए बी प्लस डी सी, तो ये हम सब जानते हैं ना, इसको आप चाहे तो यहां लिख ही सकते हैं, सी को यहां एक माइनस साइन, यानी कि ये प्रॉपर्टी सभी सिचुएशंस के लिए वैलिड है, ये ए बी डी ए बी सी प्लस ए डी सी में टूट जाएगा, तो ये एक्सटेंशन बहुत जरूरी है समझना। अगर हम यहां पे ए वन प्लस ए टू कर देते, अब कितना में टूटेगा देखिए, दिस 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 एक, दिस 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 दो, फिर टोटल जितना भी ट्रिपलेट्स बन सकता है उतना में टूटेगा, टोटल आठ डिफरेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। ये यहां दो विकल्प है, यहां दो विकल्प, यहां दो विकल्प, तो टू इंटू टू इंटू टू एट, ए वन बी वन सी वन प्लस ए वन बी वन सी टू प्लस ए वन बी टू सी वन, अभी इसको ए वन ही रहने दे रहे हैं, ए वन रहने दीजिए और बी वन सी वन बी वन सी टू बी टू सी वन बी टू सी टू चार, फिर उसके बाद ए टू ले लीजिए, फिर बी वन सी वन ए टू बी वन सी टू ए टू बी टू सी वन ए टू बी टू सी टू, इतना सारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के सम के रूप में ये एक्सप्रेस हो जाएगा। ये सब रिलेवेंट बात है इस डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉपर्टीज, एक यही तो है, कोई खास बात है नहीं, याद हो गया। अगर हम आपको तीन वेक्टर देते हैं ए बी सी और आपको चेक करना है कि ये तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं, द थर्ड वेक्टर सी इज ऑल्सो इन दिस प्लेन और नॉट, कोप्लेनर, तो देखिए हम कोप्लेनरिटी का कंडीशन क्या लाए थे, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री इक्वल टू जीरो डिटर्मिनेंट,
कैसे लाए थे याद दिलाते हैं, अगर ये तीनों एक प्लेन में है तो निश्चित रूप से एनी वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम स्केलर टाइम्स ए वेक्टर प्लस सम अनदर स्केलर टाइम्स बी वेक्टर, अगर एक प्लेन में है तभी ये कर पाइएगा। ए बी के प्लेन में कोई वेक्टर होगा ना तो उसको आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के रूप में आप निश्चित रूप से एक्सप्रेस कर पाइएगा इसी प्लेन में कोई वेक्टर है तो समथिंग इनटू ए प्लस समथिंग इनटू बी के रूप में एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर ये वेक्टर इस प्लेन में नहीं है, उठा हुआ है, तब आप वहां तक माथा तक पहुंचने के लिए एक तीसरा वेक्टर भी चाहिए होगा। तो एक जोड़ा वेक्टर अगर दे दिया जाए तो एक प्लेन डिफाइन हो जाता है और उस प्लेन में किसी भी वेक्टर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो अगर लीनियर, अगर ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में है तो c1 निश्चित रूप से इक्वल टू लैम्डा ए वन प्लस म्यू बी वन के रूप में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। देर मस्ट एग्जिस्ट सम लैम्डा म्यू सच दैट लैम्डा ए टू प्लस म्यू बी टू मस्ट इक्वल c2 एंड लैम्डा ए थ्री प्लस म्यू बी थ्री मस्ट इक्वल c3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट होने के लिए टू ही अननोन्स है, तीन इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से लैम्डा म्यू का वैल्यू निकालने पर वो सेटिस्फाई होना चाहिए इसको। इसी से हमको यह आया था कंडीशन फॉर कुप्लिनैरिटी, जो कि अब हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो कुप्लिनैरिटी कंडीशन हम लोग अब इतना सिंपली रख सकते हैं, तीन वेक्टर का कुप्लिनैरिटी ऐसे। अब देखिए समझ पाए कि नहीं, असल में एक क्रॉस बी वेक्टर कीजिएगा तो एक वेक्टर बनता है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए बी। अगर कोई वेक्टर सी है जो उसी प्लेन में लाई करता है इन दी प्लेन ऑफ ए बी तो उसका डॉट प्रोडक्ट विथ दिस वेक्टर मस्ट जीरो, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये जीरो तभी होगा, ए क्रॉस बी को पहचाने ना, ये एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंटेनिंग ए बी, तो इस प्लेन में अब कोई वेक्टर होगा उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करने पर जीरो होना चाहिए। यही तो था जो लिखते थे हम लोग कोप्लेनैरिटी, ये प्रूफ है कोप्लेनैरिटी का, एक प्रूफ। आइए दूसरा, इवेंचुअली आपको कोप्लेनैरिटी का कंडीशन एक ही आया है, दो नहीं है, लेकिन याद करने के लिए दिस इज सो ब्यूटिफुल। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स अगर जीरो आता है तो हम समझ जाएंगे कि तीनों वेक्टर कोप्लेनार है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब यह होता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड। पैरेललोग्राम तो मैंने हम लोग सबको जानते हैं, पैरेललोपिपेड एक थ्री डायमेंशनल बर्फी जैसा इस तरह का, इस तरह का थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है, ये कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम है, उस प्लेन सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ और ये सब ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिए। इस पैरेललोपिपेड का तीन एडजेसेंट साइड्स नहीं बोलते हैं, को टर्मिनस एजेस बोलते हैं, को टर्मिनस एजेस पैरेललोपिपेड का, ये और ये एक ही जगह कोइंसाइड करता हो, टर्मिनेट करता हो, ऐसा तीन किनारा का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम देंगे ए बी सी। वो तीनों नॉन कोप्लेनार वेक्टर्स होगा, एक प्लेन में नहीं होगा, मैंने सी उसी प्लेन में नहीं होगा ए बी के, नहीं तो फिर ये पैरेललोपिपेड बनेगा नहीं। पैरेललोग्राम के केस में हम कहते जैसे ये पैरेललोग्राम है तो हम उसके दो एडजेसेंट साइड्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे देते अगर ए और बी, तो आपसे कहते हैं कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताइए, जो कि आप जानते हैं पैरेललोग्राम का एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते और आपको एरिया निकल जाता है। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम अगर हम उसके तीन कोट टर्मिनस एजेस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे दें। ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी, ये सी है तो ये सब सी है, सी है।
तो हम वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिपेड कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? देखिए, पहले तो वॉल्यूम याद करा दें आपको कि वॉल्यूम कैसे निकलता है। ये एरिया इनटू हाइट, यानी ऊपर वाला जो सरफेस है और नीचे वाला सरफेस, दो पैरेलल सरफेस है, खाली घसका हुआ है, उनके बीच का हाइट अगर मालूम हो h, तो बस इस एरिया से h को गुना करते हैं। कैसे? ये तो वॉल्यूम निकल जाता है। कैसे? बड़ा इसे इजी प्रूफ है। इसको हम पतला पतला स्लाइस में बांट दें, स्लाइस, ईच स्लाइस विल बी दिस पैरेललोग्राम, और कोई भी एक स्लाइस का थिकनेस को हम dy कह दें, पतला पतला dy dy थिकनेस का, यानी तो उसका वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू हाइट dy। अब वही dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy जुट के, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, वही है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। निकलेगा कैसे, सो बताने जा रहे हैं। ए क्रॉस बी वेक्टर इस दिशा में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी साइन थीटा, यानी कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के जितना मैग्नीट्यूड एक वेक्टर है इस दिशा में। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच एंगल को हम अल्फा कह लें तो सी कॉस अल्फा से गुना करना है, सी का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज द हाइट, उसी से गुना करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को, गुना करना है सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा से, यही करना है। तो जरा देखिए, तो आप क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर है ए क्रॉस बी वेक्टर और ये वेक्टर है सी वेक्टर। आपको एरिया निकालने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर गुने मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर गुने कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, यही है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं दिस डॉट दिस ए क्रॉस बी डॉट सी, यानी कि स्कैलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री कोटर्मिनस एजेस। तो तीनों का खाली स्कैलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड निकल जाएगा। यह है यूटिलिटी। जब हम लोग एक प्लेन सरफेस में थे तो हम लोग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना सीखे थे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम निकालना सीखे थे। थ्री डायमेंशन में है तो हम वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड निकालना सीखे। हाँ, इतना पक्का रहे कि ये तीन वेक्टर जो देंगे वो नॉन कोप्लेनार होना चाहिए, ऐसे तीसरा वेक्टर ए बी के प्लेन से उठा होना चाहिए, अगर उसी प्लेन में दे दिए तो वॉल्यूम जीरो आ जाएगा। यही तो लिखा है कि अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन में होगा तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड जीरो आ जाएगा। तो बार बार ये याद दिलाते रहेंगे कि कोप्लेनारिटी टेस्ट करने का कंडीशन नहीं है, तीनों वेक्टर अगर एक प्लेन में है देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड फॉर्मड बाई दीज थ्री वैक्टर्स विल रिड्यूस टू जीरो। सबसे अधिक वॉल्यूम कब हो सकता है, जब ये सी वैक्टर बिल्कुल खड़ा हो ऐसे, तब ये दोनों छत के बीच का ऊंचाई सबसे अधिक होगा, तब वॉल्यूम सबसे अधिक होगा। यहां लिखा है अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दो स्केलर क्वांटिटी को गुना कर रहे हैं, ये इक्वल टू है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर जो मिलेगा वही है ये क्वांटिटी, और एक अनदर सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स है यू वी डब्ल्यू, ये इक्वल टू है U1, U2, U3, V1, V2, V3, and W1, W2, W3, इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने पर जो नंबर आएगा वो है यहां लिखा। दोनों को गुना करना मतलब इन दोनों डिटरमिनेंट को गुना करना। अब दो डिटरमिनेंट को गुना करके हम वन सिंगल डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, जो अत्यंत आवश्यक है जानना। एक बार देख लें कैसे करते हैं, दो डिटरमिनेंट को गुना करना अभी सिखाने जा रहे हैं। सेम ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा,
थर्ड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर से ही गुना करेंगे, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को फोर्थ ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या किसी भी अन्य ऑर्डर से नहीं गुना होगा, फिफ्थ ऑर्डर को फिफ्थ ऑर्डर से गुना करेंगे और एक फिफ्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो थर्ड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर से, यहां पे हमको 9 एलिमेंट्स ढूंढना है। ये जो पोजिशंस है इनको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, इस पोजिशन को हम कोई एक नाम दे रहे हैं लैम्डा 1-1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस पोजिशन को लैम्डा 1-2 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1-3 लैम्डा 2-1 लैम्डा 2-2 लैम्डा 2-3 थर्ड रो का एलिमेंट्स लिख रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ताकि हम जब लैम्डा 2-2 बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले स्थान को बोल रहे हैं। हमको इन 9 एलिमेंट्स का वैल्यू ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जब लैम्डा 1-1 का वैल्यू ढूंढ रहे हो तो इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहां लिखिएगा, यानी हम आपको कह रहे हैं कि लैम्डा 1-1 का वैल्यू इस प्रकार कैलकुलेट कीजिएगा, दिस नंबर इंटू दिस नंबर प्लस दिस नंबर इंटू दिस नंबर। आप बॉदर्ड मत होइए, सबका प्रूफ है, हम लोग प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्लस दिस नंबर इंटू दिस नंबर, जो भी नंबर आएगा उसको यहां लिख दीजिएगा। ओके, अब ये निकालने के लिए इसका फर्स्ट रो दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस जो नंबर आएगा यहां, अब इसका सेम मैकेनिज्म, पहले वाले डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो दूसरे वाले का थर्ड कॉलम, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस, कोई भी और चेक कर लीजिए, लैम्डा 3-2, तो पहले वाले का थर्ड रो और दूसरे वाले का सेकेंड कॉलम, जैसे ये सब एलिमेंट्स लिखना था ना, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से गुना कर करके अभी डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसको एक्सपेंड कीजिएगा तो वही आंसर आएगा जो इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड करने पर और गुना करने पर आता। अभी बात समाप्त नहीं हुआ है, इस तरह से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना दो डिटर्मिनेंट को तो उसको बोलते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लीकेशन। आपको प्रूफ नहीं डिस्कस करना है और ना ही इम्तिहान में कोई आपसे कहेगा कि प्रूफ कीजिए, मल्टीप्लाई करने का दो डिटर्मिनेंट को तरीका सीखना है। इस तरीका से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं रो बाई कॉलम, यानी हर बार आप ना लैम्डा 2-1 निकालना है तो इस फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो और सेकेंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम। अगर हम कहे होते कि रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो, अगर कहे होते तो उसका मतलब आपको करना होता फर्स्ट रो इसका भी फर्स्ट रो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस, फर्स्ट रो उसका सेकेंड रो कॉलम नहीं, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू, इसका वैल्यू पहले वाले डिटर्मिनेंट का सेकेंड रो और दूसरे वाले का थर्ड रो। अगर हम कहे होते कॉलम बाय रो मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो शायद सब कोई अब समझ गया होगा। अब ये वाला एलिमेंट जब लिखना हो तो पहले वाले डिटर्मिनेंट का सेकेंड कॉलम और दूसरे वाले का फर्स्ट रो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। और एक चौथा विकल्प भी है कॉलम बाय कॉलम। The interesting part is कि आप इनमें से किसी भी तरह से कीजिए, हर बार कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट देखने में अलग लगेगा, the numbers will be different, लेकिन interesting बात यह है कि उसका expansion कीजिएगा तो the answer comes out to be the same। ये property है determinant का, multiplication of two determinants can be done in any one of these ways, row by column, column by column, row by row, जो मन सो कर सकते हैं। चलिए देखें हम लोग इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके मल्टीप्लीकेशन करते हैं। हम सोचे हैं कि रो बाय रो करेंगे, कोई यानी ई वाला एलिमेंट रखने चूज क्या वैल्यू निकालने के लिए, इसका फर्स्ट रो उसका फर्स्ट रो, a1 u1 a2 u2 a3 u3, ओ दैट इज a.u,
यहां पे वन टू है, यानी इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड रो, ए वन वी वन ए टू वी टू ए थ्री वी थ्री, दैट इज ए डॉट वी एंड ए डॉट डब्ल्यू। इसी तरह से इसका फर्स्ट रो उसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट रो उसका सेकेंड रो, इसका फर्स्ट रो उसका थर्ड रो, थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड रो सेकेंड, एंड वी हैव ए डॉट यू ए डॉट वी ए डॉट डब्ल्यू। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है सम नंबर, फिर बी डॉट यू बी डॉट वी बी डॉट डब्ल्यू, ये सी डॉट यू सी डॉट वी एंड सी डॉट डब्ल्यू। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा बात हम लोग सीख लिए, इसका क्या उपयोग है देखेंगे जब सवाल बनाएंगे, अगर उस समय आप ये नहीं जानते होंगे तो सवाल नहीं बनेगा। ये क्वांटिटी याद रहे क्या है, ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम, और ये भी वॉल्यूम। ये अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या यूटिलिटी है इसका, सवाल बनाते वक्त समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए तीन वेक्टर है ए बी सी, हम नहीं दिए हैं तीनों, लेकिन हम ए डॉट ए का वैल्यू दे दिए हैं, ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट सी का वैल्यू दे दिए, बी डॉट बी का वैल्यू दे दिए हैं और सी डॉट सी का वैल्यू दे दिए हैं, इतना वैल्यूज दे दिए, एक नंबर सम नंबर सम नंबर सम नंबर सम नंबर। अ क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड निकालिए, फाइंड वॉल्यूम। अगर ये तीनों वेक्टर दे देते हम तब तो आपको पता है वॉल्यूम निकालना, तुरंत आप डिटर्मिनेंट बनाते ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, या वॉल्यूम बता देते। लेकिन हम आपको ए बी सी वेक्टर नहीं दिए हैं, हम ए डॉट ए का वैल्यू दे दिए हैं, हमने ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए डॉट बी का वैल्यू दिए हैं, मैंने ए गुने बी गुने कॉस ऑफ जो भी एंगल दोनों, ये सब दे दिए हैं, ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी, यानी तीनों साइड का मैग्नीट्यूड दे दिए, बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, ए डॉट सी का वैल्यू अब बी डॉट सी का वैल्यू भी दे दिए हैं, ये तीनों भी और ए डॉट ए बी डॉट बी और सी डॉट सी सब वैल्यू दे दिए। क्वेश्चन है वॉल्यूम निकालिए, अब देखिए कैसे निकलेगा, हम ए बी सी गुने ए बी सी का एक्सप्रेशन अगर लिखें यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो वो इक्वल टू लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए डॉट ए ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी अब बी डॉट सी, सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी, ये सब नंबर्स दे दिए हैं आपको। इधर जो लिखे हैं आप वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड का स्क्वायर, अब ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके आप नंबर ले आएंगे अगर, तो उस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम आप निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इस तरीका के और किसी तरीका से नहीं बनेगा। हम लोग को इतना ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ना है। अब छोटा सा बात, एक अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई एक पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर हम दे दें ए, अब कोई एक और पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर दे दें बी, और कहें कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन लिखिए, तो थ्री डी में हम लोग कैसे लिखते हैं इक्वेशन, हम वेक्टर ए का जो तीनों कंपोनेंट है ए वन ए टू ए थ्री, वो और कुछ नहीं बल्कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गया, क्योंकि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही बताते हैं पोजिशन वेक्टर, और इसका जो तीनों कंपोनेंट्स है वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो गए, और कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो हम इस लाइन का इक्वेशन एक्स माइनस ए वन बटे बी वन माइनस ए वन वाई माइनस ए टू बटे बी टू माइनस ए टू इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री बटे बी थ्री माइनस ए थ्री हो गया, इस लाइन का इक्वेशन। थ्री डी में हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लेते हैं ना एक्स वाई जेड, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स का डायरेक्शन रेशियो भी वही होना चाहिए, तो बस यही लिखा। वेक्टर अलजेब्रा के भाषा में क्या लिखते हैं लाइन का इक्वेशन, वो जानना जरूरी है। तो हम कैसे लिखेंगे इस लाइन का इक्वेशन,
मतलब इसमें कोई एक पॉइंट ले लें इसी लाइन पे, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा? पोजिशन वेक्टर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखेंगे एस अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर टी, जिसमें टी के वैल्यूज को बदलते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर आएगा। वो ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि सिर्फ इसी लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर रिप्रेजेंट होगा। जैसे अगर कोई लाइन है जो 1, 2, 3 पॉइंट से पास करता है, दिशा 4, 5, 6 है, तो हम इस लाइन के इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4t+1 y बराबर 5t+2 z बराबर 6t+3 पैरामेट्रिक फॉर्म में। इसमें वेरिएबल t है। अब t का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालने से डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आएगा x y z, पर वो सब इसी पे लाई करेगा। तो हम यहां भी कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे है उसके पोजीशन वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे एस अ फंक्शन ऑफ सम पैरामीटर टी, जिसमें टी के वैल्यूज को बदलते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर आएगा, पर वो सब इसी लाइन पे होगा। लेट अस सी हाउ। अगर कोई पॉइंट यहां है जिसका पोजीशन वेक्टर आर मान लें, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर होगा, यानी ये वेक्टर है बी माइनस ए और ये वेक्टर को r माइनस ए लिख रहे हैं, दोनों वेक्टर को लीनियर होगा। यानी निश्चित रूप से r माइनस ए वेक्टर इक्वल टू होगा सम स्केलर टाइम्स b माइनस ए, यानी कि अब a वेक्टर दोनों तरफ ऐड कर दें तो 1 - t टाइम्स a वेक्टर प्लस t टाइम्स b वेक्टर। अब t के जगह आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, t के जगह 0 डालिए, तो r वेक्टर बराबर एक पोजीशन वेक्टर आएगा किसी पॉइंट का a वेक्टर। t के जगह 2 डालिए तो माइनस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये कोई पॉइंट है 3 डायमेंशन में जो निश्चित रूप से इसी लाइन पे है। आप t के वैल्यूज को चेंज करते रहिए, आपको इसी लाइन पे पॉइंट सब मिलता जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वेक्टर एलजेब्रा के भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। कोई दो पॉइंट खाली दे दीजिए, उनका पोजीशन वेक्टर, तो लाइन ज्वाइनिंग दोस टू पॉइंट्स पे लाई करने वाला किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसी शक्ल का होगा, जहां टी के जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने लायक है, यहां ए वेक्टर को किसी स्केलर से गुना किया गया है, अभी वेक्टर को भी एक स्केलर से। अगर ए वेक्टर को किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और बी को किसी अन्य स्केलर से और ऐड करके एक नया वेक्टर बनाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा वेक्टर निश्चित रूप से कोप्लेनार होता है विथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में ही बनेगा ये सब वेक्टर्स। डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा म्यू का वैल्यूज लीजिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर बनेगा, लेकिन एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स विल ऑलवेज लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक लाइन में लाई करना है सब, एक प्लेन में खाली नहीं है। तो वो तभी संभव है जब m और n के चॉइस में एक संबंध दिख रहा है, m प्लस n का वैल्यू 1 होना चाहिए, दिस प्लस दिस मस्ट इक्वल 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर आपको एक वेक्टर दे दें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इस रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं m टाइम्स वेक्टर a प्लस n टाइम्स वेक्टर b वेयर m प्लस n मस्ट इक्वल 1। हम एक वेक्टर दे दें 2 - 1, 3 और एक वेक्टर दे दें 1, 4, 5। अब लाइन ज्वाइनिंग दीज टू वेक्टर्स पे कोई भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमको लिखना हो
तो हमको दोनों में से कोई एक बात याद रखना चाहिए। हम सोचे हैं कि वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, अब वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना होगा हमको -4 से। दिस प्लस दिस का वैल्यू 1 होना चाहिए। इनफिनिट चॉइस है, कोई यही एक चॉइस नहीं है। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं -26 से, तो बी को मल्टीप्लाई करना होगा 27 से। तब हमको इस तरह का जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे वेक्टर्स का, वो सब का सब कोलीनियर होगा, एक लाइन पे होगा। एक आखिरी बात, थ्री डायमेंशन में कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर दिया है ए, और एक वेक्टर दिए हैं हम बी। एक स्ट्रेट लाइन बनाना है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ये सब सिमिलर बात है जो हम लोग 3D में ज्योमेट्री में कर रहे थे। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम या तो करते थे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देते थे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2, कहते थे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या हम एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देते थे और उसका दिशा बता देते थे किस दिशा में लाइन डायरेक्टेड होना चाहिए। यही यहां भी कर रहे हैं, हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सीखना है इन वेक्टर अलजेब्रा। तो हम एक पॉइंट का पोजीशन बता दिए, पॉइंट फिक्स हो गया, यहां से पास करना चाहिए लाइन और वेक्टर बी के पैरेलल होना चाहिए। इसके पहले जो टू पॉइंट फॉर्म था, ये टू पॉइंट फॉर्म। अब इस केस में किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम अगर आर मान लें, तो ये वेक्टर होगा r माइनस ए, जो कि b वेक्टर के पैरेलल है, कोलिनियर है। यानी r माइनस ए वेक्टर निश्चित रूप से एक्सप्रेस किया जा सकेगा एज सम स्केलर टाइम्स b वेक्टर। वेक्टर कोलिनियर अगर है दो, तो निश्चित रूप से एनी वन ऑफ देम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ स्केलर टाइम्स द अदर। तो लाइन का इक्वेशन हो गया ए प्लस टी बी, वेयर टी कैन टेक एनी रियल वैल्यूज। ये है मेरा पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म। ये भी वही है, आप जब टू पॉइंट फॉर्म था तो आप एक वेक्टर बना लिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर विल बी कोलिनियर विद दिस वेक्टर। तभी ना आप लिखे r माइनस a विल बी इक्वल टू सम स्केलर टाइम्स b माइनस a। इसी को सिंप्लीफाई करके आप इस रिजल्ट तक आए। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, दोनों फॉर्म में हम चाहते हैं कि आप तैयार रहें, क्योंकि हम लिख देंगे बहुत बार ना पोजिशन वेक्टर, यहां लिख देंगे 5 टाइम्स एक वेक्टर ए -4 टाइम्स वेक्टर बी, और आपको तुरंत समझ जाना है कि ये कोलिनियर है विथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको साबित कर सकते हैं हम लोग। अगर हम मान लीजिए आपको ये बात नहीं ध्यान जाता है, हम आपको 3 वेक्टर देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंटिंग 3 पॉइंट्स इन स्पेस ए बी एंड 5a-4b। क्वेश्चन, चेक कोलिनियरिटी। तो कोलिनियरिटी चेक करने का कंडीशन है कि हम दो वेक्टर बनाएंगे पहले, एक वेक्टर हो गया b-a और दूसरा वेक्टर हो गया this-this 5a-4b-a 4a-4b which is 4 times a-b। साफ तो दिख गया ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है। इसका मतलब है कि वो 3 पॉइंट जो रिप्रेजेंटेड था बाय दीज 3 वेक्टर्स, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। बस इतना ही है हमारे सिलेबस में, आज के लिए समाप्त।